और साथ ही एके मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे हैं नेताओं के विवादित बयान देकर वोट पाने की नीति को लेकर। क्या पार्टियों की तरफ से नेताओं को रखा जाता है, चुना जाता है और उनको छूट दी जाती है कि वो विवादित बयान दें ताकि कुछ तबके के वोट पार्टी हासिल कर सके। एके मिश्रा जी, इन बयानों से आखिर समाज को क्या फायदा होगा, देश को क्या फायदा होगा? चुनाव के वक्त नेताओं को विकास की बात करना चाहिए, अपने अपने रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए कि हमने कितना काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड नहीं रख रहे हैं, जबकि विवादित बयान देकर एक बार फिर से कुर्सी तक पहुंचने की इनकी मंशा होती है। आसिफ, आप डे ड्रीमिंग की बात कर रहे हैं, कि मतलब दोपहर में तारे देखना। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी और सारे नेताओं से, और ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। इनकी पूरी 5 साल में आप एक एक नेताओं का, एक एक पार्टी का उठा के देख लीजिए, विकास के मामले में कितने परसेंट इन लोगों ने बात किया, इन लोगों ने डिबेट की, इन लोगों ने कोई मैटर प्रेजेंट किया। ज़्यादातर आप देखेंगे 70-75% इनका जो टाइम होता है, इनका जो अल्टीमेट मुद्दा होता है, वो ऐसे सेंसेशनल मुद्दे होते हैं जो कि ह्यूमन की लाइफ साइकिल, उसकी सोसाइटी या ह्यूमन के अपने इंडिविजुअल जो उसकी थिंकिंग होती है उससे बहुत कोरिलेटेड होते हैं। थोड़ा सा मैकेनिज्म समझिए कि पोलराइजेशन कैसे होता है। मैं थोड़ा टेक्निकल डिटेल में जाना चाहूँगा कि देखिए, जब जब इलेक्शन आता है या वोटरों को अपने फेवर में, पब्लिक को अपने फेवर में करने के लिए, दो टर्मिनोलॉजी होती है, पॉलिटिकल क्यूज एंड ट्रिगर। पॉलिटिकल क्यूज ये होता है, ऐसे बयान जो ये देते हैं वो पॉलिटिकल क्यूज का काम करते हैं और वो पब्लिक में एक सेंसेशन पैदा करते हैं, उनका ध्यान आकर्षण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे ये लोग क्या करते हैं, अपने कैंपेन को चलाने के लिए कुछ ऐसे एक्टिविटीज या ऐसे मैसेज देना या ऐसी एक्टिविटीज, घटनाएं करना, ताकि वो वोटर जो इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं वो लास्ट में वोटिंग डे के दिन बूथ पर जाकर के बूथ वोट में कन्वर्ट हों। तो ये इनका एक प्रोसीजर है। देखिए, मैं बार बार आसिफ बोलता हूँ, ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है। लोग बोलते हैं कि जी, एक डिबेट में मैं था, धर्म तो निजी मुद्दा है, लेकिन मैं बोलता हूँ आप जरा खुली आंखों से देखिए, धर्म एक निजी मुद्दा नहीं है। पूरी दुनिया और स्पेशली हमारे देश में धर्म एक सबसे ज्यादा सामाजिक मुद्दा है, धर्म एक सबसे ज्यादा राजनीतिक मुद्दा है, धर्म एक सबसे ज्यादा सरकारी मुद्दा है। क्लास वन से जब आप पढ़ने जाते हो तभी धर्म का डिक्लेरेशन होता है। एके मिश्रा जी, अमेरिका में भी अगर चुनाव होते हैं वहां भी धर्म एक मुद्दा रहता है? नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ, देखिए, धर्म सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ह्यूमन लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं तो बोलता हूँ इस चीज को मान लेना चाहिए। देखिए, सारी पार्टियां बोलेंगी धर्म एक निजी मुद्दा है, लेकिन सारी पार्टियां 90% देखोगे, अधिकांश उनकी पूरी कैंपेनिंग, वोटों का ध्रुवीकरण और स्पेशली आज के डेट में केवल धर्म पर अवलंबित है, धर्म पर आधारित है। ये सारे जो बयान अभी आ रहे हैं, देखिए, धर्म और जाति को मैं बोलता हूं, अगर दो चीजों को हटा देना, धर्म और जात, तो भारत के राजनेताओं के पास ऐसा कुछ है ही नहीं उनके रिपोर्ट कार्ड में जिसको कि वो दिखा सके और क्लेम कर सके कि इस मुद्दे पे आप हमें वोट दीजिए। एके मिश्रा जी, क्या धर्म और जात के नाम पर राजनीति करना काफी ज्यादा आसान होता है, चुनाव प्रचार करना काफी आसान होता है, क्या इसीलिए राजनीतिक दल इस रास्ते को अपना रहे हैं? डेफिनेटली आसिफ, देखिए, उसका एक साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक रीजन है। आप देखिए, आदमी, एक कॉमन आदमी या वोटर जो होता है वो प्रभावित कैसे होता है? वोटर भी जो है वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है ना, और ह्यूमन बीइंग का सबसे ज्यादा आस्था, सबसे ज्यादा लगाव जिन चीजों से होता है, जब आप उसके अंदर कोई सेंसेशन प्रेजेंट करते हैं तो वो पूरा का पूरा उसको झकझोर के रख देता है उस आदमी को। तो अगर किसी भी आदमी को, किसी भी वोटर को एक्टिवेट आपको करना है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी आदमी को ऐसे मुद्दों को चुनिए जो उसके लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। अगर आप एक लिस्ट बनाए सबसे ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा कौन सा है, तो जितनी हिस्टोरिकल चीजें हैं, जैसे देखिए, सबसे पहले धर्म आया, धर्म बहुत पुरानी चीज है, वो सबसे ज्यादा सेंसेशन पैदा करने वाली चीज है। उसके बाद जाति पाति की चीजें हैं, ये भी बहुत पुरानी चीज है। उसके बाद आप ये देखिए, करंट अफेयर में देखेंगे तो ऐसी कौन सी चीज है जो वोटरों को या किसी आदमी को बहुत डीपली इन्फ्लुएंस करती है, वो हो गया आरक्षण, हो गया रोजगार का मुद्दा, हो गया इनकम का मुद्दा, हो गया। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को अगर आप क्लासिफाई करिए तो पूरी एक लिस्ट है कि सबसे ज्यादा प्राइमरी लेवल पे आदमी के अंदर सेंसेशन पैदा करने वाले, अट्रैक्शन पैदा करने वाले फर्स्ट लेयर में कौन कौन से मुद्दे हैं या बातें होती हैं, सेकेंड लेयर में कौन कौन सी आती है, डिपेंडिंग की 0 to 10 के पैरामीटर देखें, तो हाईएस्ट से लेके लोएस्ट या लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक,
तो इस चीज का पूरा एक साइंस है, क्लासिफिकेशन होता है, और उसमें धर्म जाति पाति ये सारे के सारे मुद्दे नंबर वन पोजीशन पे आते हैं। राष्ट्रहित की बात, नेशनलिज्म की जो बात होती है, ये भी एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है। आप ये देखिए, कभी वॉर हो जाए आपके किसी पड़ोसी मुल्क या दुश्मन से, तो वो इतना सेंसेशनल मुद्दा होता है कि उस वक्त सारे लोग एक हो जाते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ये जो होता है ये सबसे सेंसेशन वाले पैदा करने वाले मुद्दे होते हैं, और इन चीजों का प्रभाव मानव या वोटरों के मन मस्तिष्क पे बहुत तेजी से पड़ता है, और उनका जो मूवमेंट होता है जिसको आप वोट शिफ्ट बोलते हैं, एक खेमे से दूसरे खेमे में जाने के लिए ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को जो है यूज किया जाता है, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत जबरदस्त होता है किसी भी आदमी की साइकोलॉजी पे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर राजनीतिक दल जो है वो यहाँ राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, यानी कि हर चीज का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, लोगों को समझना चाहिए। फिर आप फिर बुनियादी चीजों को लेकर क्यों लोग कहते हैं कि अस्पताल भी उनको अच्छे चाहिए, सड़कें भी उनको बढ़िया चाहिए, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होना चाहिए, सड़कें बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि ए के मिश्रा जी, जब आप धर्म और जाति के नाम पर वोट दे रहे हो, राजनीतिक दल इसके नाम पर वोट मांग रहा है, तो फिर बुनियादी काम होंगे नहीं, फिर उम्मीद क्यों की जाती है इसको लेकर? आसिफ देखिए, एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं इल्यूजन। होता क्या है कि पब्लिक इनफैक्ट चाहती तो है कि हमारे पास सड़कें हों, बढ़िया हॉस्पिटल हो, लेकिन सवाल ये होता है कि अगर आप दो मुद्दों को, दो प्रॉब्लम को एक कॉमन, तो कम से कम हिसाब किताब तो लो। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यही होता है इसके नाम पर भाई। आदमी देखिए, आप इसको एक ये साइकोलॉजी का, अगेन मतलब पॉलिटिकल साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल बिहेवियर का है। मैं बोलता हूँ कि मेरे घर के सामने जो सड़क है, रोज उसमें गिर करके पैर टूटते हैं, चोट लगती है, और रोज हम गवर्नमेंट को कोसते हैं कि भाई सड़क नहीं बना रही है। लेकिन महीने दो महीने पहले जब कैंपेन ये लोग चलाते हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो उसमें मुद्दे ऐसे होते हैं, अगेन क्वेश्चन वही आता है कि ऐसा कौन सी चीज या कौन सा मुद्दा है जो मेरी साइकोलॉजी या वोटर की साइकोलॉजी को डीपर इन्फ्लुएंस करता है। लोग वहां पे भूल जाते हैं, सड़क के मुद्दे, इन सब चीजों को भूल जाते हैं। ये एक वॉर की तरह होता है जो इलेक्शन होता है, जहां पे कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो पोजीशनिंग इन लोगों की होती है, वो उनके निजी और इन सब चीजों पे इतना हावी हो जाती है वोटरों पे, कि वोटर जो जेन्यून मुद्दे हैं उनको भूल करके इमोशनल मुद्दों की तरफ झुक जाते हैं। और यही रीजन है कि सबसे तेजी से अगर आपको वोट स्विंग कराना है, तो ऐसे जो मतलब जो आप, मैंने आपको मल्टी लेयर सिस्टम बताया मुद्दों को सेलेक्ट करने का। आपकी बात को मैं आगे को बढ़ा रहा हूं, जिस तरह से चुनाव के वक्त कहा जाता है, आपने कहा कि घर के सामने सड़क टूटी है, खराब है या है नहीं, अब चुनाव के वक्त में आप कहते हैं कि चुनाव के वक्त में सड़क को लेकर मैं सवाल करूंगा, लेकिन नेताजी आके कह देते कि आपका धर्म संकट में, अगर फला पार्टी जो है जीत गई तो धर्म संकट में आ जाएगा। उस वक्त इंसान सोचता है कि मैं सड़क बाद में देखूंगा, पहले धर्म को बचाऊं। नहीं देखिए, नेताजी को जिताऊं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने बोला ह्यूमन बीइंग का पॉलिटिकल बिहेवियर समझना जरूरी है। आपने दो मुद्दे लिए, टूटी हुई सड़क और धर्म। अब आपको देखना यह है कि इन दोनों में डीपर इन्फ्लुएंस, क्विक रिस्पांस, क्विक इन्फ्लुएंस किस चीज का होगा। मैंने आपको साइंटिफिक रीजन भी बताया कि अगर 0 to 10 के पैरामीटर पे मुद्दों को अगर देखेंगे कौन ज्यादा तेजी से इन्फ्लुएंस करता है, तो जो मुद्दे, जो चीजें जितनी ऐतिहासिक और पुरानी है, वो उतनी ही डीपर इन्फ्लुएंस करती है। धर्म एक सबसे पुराना मुद्दा है, सबसे पुराना फैक्ट है मानव इतिहास में। जब से मानव पैदा हुआ है, सभ्यता का जन्म हुआ है, धर्म भी हर आदमी के साथ कोई ना कोई धर्म जुड़ गया है। देखिए आसिफ, मैं ये बोल रहा था, अगर आप किसी साइकोलॉजी के एक्सपर्ट से पूछेंगे, तो आप उन चीजों को क्लासिफाई करिए कि जो आदमी को सबसे ज्यादा इमोशनल और क्विक वे में जो है इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ह्यूमन बीइंग का अगर आप पॉलिटिकल बिहेवियर की एनालिसिस कीजिए और एक स्केल बनाइए कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, एक पैरामीटर बनाइए, ऐसे कौन कौन से मुद्दे होते हैं, और उसको क्लासिफाई करना शुरू करिए कि सबसे ज्यादा कौन सा मुद्दा जो है किसी भी आदमी को क्विक वे में और डीपली इन्फ्लुएंस कर देता है, और उसके पॉलिटिकल डिसीजन, लाइकिंग या वोट वो किसको देगा, इस डिसीजन को चेंज कर देता है। अगर आपको यह समझना होगा, तो आप पाएंगे कि जो चीजें जितनी पुरानी है, जैसे धर्म मैंने बोला, ये आदमी के उद्भव के साथ, सभ्यता के विकास के साथ, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं। हमारे यहाँ कोई नया शिशु, नया बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसके दिमाग में जो चीजें डाली जाती हैं वो धर्म से रिलेटेड चीजें डाली जाती है। तो डेफिनेटली जो चीजें जेनेटिकली या फैमिली हिस्ट्री में देखिए कि कल्चर में देखिए, वो लगातार चलती चली जा रही हैं। आदमी उससे बहुत क्लोज एसोसिएटेड होता है, और उस पर किसी भी तरीके का दाग धब्बा या अटैक
जरा सा भी अगर हो या एक फियर फैक्टर भी दिखा दिया जाए कि भाई ये चीज तो खतरे में है, तो आदमी एकदम इमोशनल हो जाता है और उसका पूरा का पूरा प्रिकॉशन ये हो जाता है कि सड़क तो बाद में भी बन जाएगी, लेकिन ये जो चीजें हैं जैसे धर्म हो गया, जाति हो गया, पाति हो गया, रिजर्वेशन हो गया, जो डायरेक्टली आदमी के इस्टीम्ड, जिसको वो बोलते हैं आपको कि स्टीम जो नीड होती है उसकी, जिसमें कि वो प्राउड फील करता है, इस चीज पे वो जरा सा भी डेंट बर्दाश्त नहीं करता या इमोशनल अपने आउटलुक से बाहर नहीं हो पाता है। बिल्कुल, क्या एके मिश्रा जी राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है? क्या अब इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि धर्म के नाम पर वो समाज को बांट रहे हैं, भाई को भाई से बांट रहे हैं, दो समुदाय जो आपस में रहते हैं कभी भी वो नहीं चाहते उनसे अलग जाकर वो कहीं पर रहे, लेकिन इस तरह के दिलों में वो टीस डालते हैं, दिलों में जो है वो दरारें डाल रहे हैं राजनीतिक दल? देखिए आसिफ, मैं आपको बताऊं, अगर आप ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव में इसको देखें ना, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अभी भी राजनीति का स्तर वही है, मतलब निम्न स्तर आप मानिए। यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए वगैरह में जाइए तो वहाँ इतना ज़्यादा धर्म वगैरह का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं होता है, धर्म या जाति पाति का, और उसके पीछे एक रीज़न है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उससे भी थोड़ा अगर आप हिस्टोरिकल जाएंगे तो एक टाइम वहाँ ऐसा आया था कि पोप वगैरह चर्च वगैरह को बोल दिया कि भाई राजकाज का जो, मतलब राज्य का जो काम है स्टेट का, पहले वेस्टर्न कंट्रीज यूरोपियन उसमें देखेंगे तो वहाँ पे भी पोप का धर्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था और वो गवर्न करते थे पूरे स्टेट को, उसको जो है इनहिबिट किया गया, उसको जो है लिमिटेड किया गया, तब उनका जाके विकास हुआ। अच्छा, अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मैं बात करूं, जितने भी यहाँ पे देश है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह मिला के, जिनका कल्चर और हिस्टोरिकल ओरिजिन सब कुछ सेम है, यहाँ पे चूंकि ये एक थोड़ा सा ज्यादा ही भावना प्रधान देश है और यहाँ का आप सोसाइटी की डाइवर्सिटी देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट जाति धर्म, जाति में भी डिफरेंट डिफरेंट उपजातियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट संप्रदाय है, तो ये एक ऐसा पूरा एक बास्केट या किटी जो है ऑलरेडी ये प्रोवाइड करता है। आप एग्जांपल देखिए, लिंगायत समुदाय हिंदी धर्म, हिंदू धर्म में एक छोटा सा कुनबा है, हाँ, मतलब उप, आप ये समझिए उपधर्म है, एक संप्रदाय है, उसको कांग्रेस ने इलेक्शन के पहले साल भर 6 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया कि हम जीतेंगे तो आपको एक विशेष उसका दर्जा देंगे, क्यों? ताकि वो एक वोट बैंक उनके पास शिफ्ट हो सके। मैंने आपको बोला, मैं आऊंगा आपके पास। बिल्कुल एके मिश्रा जी, आपने देखा कि किस तरह से चाहे बाबा आसाराम हो, चाहे बाबा राम रहीम हो, जिन्होंने इतने घिनौने काम किए हैं और अदालत में जो है मामले भी चल रहे हैं इनके, इनके यहाँ कितने बड़े बड़े नेता राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नहीं करते थे? नहीं आसिफ, देखिए मैं आपको बताऊं, धर्म कोई एक बुरी चीज नहीं है, नहीं है। धर्म का अच्छे काम का मतलब है, सुनिए, धर्म का उद्भव कब हुआ? सिविलाइजेशन में जब आदमी असभ्य था और जनसंख्या बढ़ने लगी तो कंट्रोल करने के लिए और ये बताने के लिए कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, हमें एक दूसरे के साथ कैसा रहना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, यही सवाल ये है कि धर्म का दुरुपयोग हो रहा है। राजनेताओं की तो आदत होती है कि हर चीज के लिए, हर चीज का यूज अपने फायदे के लिए करना है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, आपने बोला था कि राम मंदिर का मुद्दा जो है बीजेपी वाले बोल रहे हैं जी हम छोड़ेंगे नहीं, धर्म में हमारी जो है आस्था है, मैं यहां बोलना चाहता हूं आस्था है, लेकिन क्या राम मंदिर को बनवाने की निष्ठा भी आपके अंदर है? शायद नहीं है, नहीं। अगर होती आप तो यही आप यही चीज देखिए, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होना था, कांग्रेस ने कानून पास करके करवा दिया, कोई बलवा कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ। रामलला के जो ताले खुले थे वो भी कांग्रेस के जमाने में ही खुले थे और बड़े आराम से हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। होता ये है स्क्वीज करना, स्क्वीज करने का मतलब ये जो पॉलिटिशियंस है बालू से तेल निकालना, अगर कोई सीखे तो उनसे बहुत खराब कर देते हैं। हाँ, ये मुद्दे को सहमति बन रही है, वो नहीं चाहते सहमति बने, ये मुद्दे को अंतिम क्षण तक उसको इनकैश करते हैं, वो कोई भी मुद्दा हो, धर्म का हो, जाति का हो, पात का। मैं बोलता हूँ जितने धर्म गुरु हैं, आपने जो नाम लिए हैं वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो जामा मस्जिद के इमाम साहब हो, आप उनसे जरा ये पूछिए, या किसी भी धर्म के हो उनसे पूछिए कि धर्म का जो सही उपयोग है आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार किया। आप अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज करते हो, पर्सनल जब कोई मैटर होता है तो संसद में वो बिल, वो कानून एक मिनट के भीतर जो है पास हो जाता है, जैसे तनख्वाह बढ़ाने का, ये सब चीजें हुई, सब सहमत हैं। 4 साल में सैकड़ों कानून बीजेपी ने या दूसरी गवर्नमेंट ने भी तुरंत पास कर दिए, किसी को पता नहीं चला।
मैं बोलता हूं जो इतना मतलब इतना सेंसिटिव मुद्दा है उसको खत्म आपको करना ही है, और आप बोल रहे हो कि जी राम मंदिर तो बनेगा ही। अरे नाक पकड़नी है तो आपके पास सारे पावर नहीं थे। आप सोमनाथ मंदिर की तरह जैसे कांग्रेस ने किया, एक छोटा सा बिल लाइए, हमेशा हमेशा के लिए इस लफड़े को खत्म कर दीजिए। लेकिन ये चलता रहेगा, ये मुद्दा कहीं वहां चलेगा कहीं वहां चलेगा, क्योंकि इससे सारी पार्टियों को किसी न किसी तरह, देखिए केवल बीजेपी को फायदा नहीं है, अब राम मंदिर का अगर मुद्दा है तो दूसरी पार्टियां इसलिए भी उठा रही भाई बाकी के वोटर हमारी तरफ आ जाए, बाकी के वोटर हमारी तरफ आ जाओ। राम मंदिर को बनाने में देखिए सब बोलते हैं आस्था है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपकी निष्ठा है राम मंदिर में? जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक कार्य का संपादन नहीं होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क नहीं होता है, तो वो निष्ठा नहीं है। निष्ठा तो इनकी पॉलिटिकल है, राम मंदिर या किसी भी धर्म के मुद्दे को लेकर निष्ठा जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ है और आस्था वो धर्म की तरफ है, तो आस्था और निष्ठा का ये बहुत अच्छा प्रयोग आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से अभी कह रहे थे काम दिखाने और बताने के लिए कुछ है, मिश्रा जी कह रहे थे कि एक बीजेपी का ही फायदा नहीं है, उधर वाले कह रहे देखो हमने पूरे जोर लगा रखे बनने नहीं देंगे, इधर वाले कह रहे हमने पूरे जोर लगा रखे बनवा करके छोड़ेंगे, और बनना कहीं कुछ नहीं है। क्यों? जिस दिन देश के अंदर से आसिफ जी गाय का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा और जम्मू कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया, राजनेताओं की दलालों की दुकानें बंद हो जाएंगी। क्या एक ही मिश्रा जी इसीलिए इन मुद्दों को खत्म नहीं करने देते हैं, राजनीति नहीं होने दे रही, सभी इसका फायदा उठाते हैं ताकि विकास को लेकर ये सवाल जनता ना करे। देखिए ये जो मुद्दे होते हैं जवाब देने को है ही नहीं, आसिफ सबने तो राज किया है, ये मुद्दे जो है ना आप इनको ऑक्सीजन समझिए पॉलिटिक्स के लिए, आप इनको लाइफलाइन समझिए। मैंने आपको बोला इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किसी भी कंट्री में आप जाके देख लीजिए, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो एवरग्रीन होते हैं, जिनका किसी भी मौसम में प्रयोग किया जा सकता है और वो कभी असफल नहीं होते हैं। और उन मुद्दों को मैंने गिनाया जो जितना पुराना ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड, पॉलिटिकल बिहेवियर से रिलेटेड जितनी पुरानी चीजें हैं आदमी के साथ जुड़ी हैं, वो सबसे गंभीर सबसे सेंसिटिव मुद्दा होता है। अच्छा अब इसमें सवाल ये होता है कि हम करें तो क्या करें? देखिए या तो पॉलिटिकल पार्टियां सुधर जाएं, उनके अंदर भगवान इतनी सद्बुद्धि दे दे कि वो इन चीजों का जागरूक हो जाए, या वोटर सुधर जाए, वोटर इन चीजों को नकार दे, बोले कि भाई जो इस मुद्दे पे बात करेगा हमें करना नहीं है।